हे फैमिली, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। तो जैसे आज है जगन्नाथ की पूजा, तो मैंने उसकी तैयारी करके रखी है और अभी क्या क्या तैयारी की है तो वो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। और वैसे तो मतलब पिछली बार क्या हुआ था, मम्मी मेरे साथ में थी और इस बार मुझे अकेले करनी पड़ेगी। और हम हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो मेरे हस्बैंड कथा कहेंगे तो मैं सुनूंगी, क्योंकि उसमें कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। ये कथा तो वैसे भी अकेले नहीं कही जाती, एक सुनने वाला जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए कथा ये पढ़ेंगे और सुनूंगी मैं। तो पूजा करनी है तो अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या बन चुका है और क्या क्या रेडी हो चुका है। तो ये है गुजिया का आटा है, ये है पूड़ी का है, और ये है पूड़ी का, ये है दही, इसमें गुड़ है, और ये है गेहूँ है जिससे गुड़ धनिया बनेगी। तो ये जब रेडी कर लेंगे तब आपको हम दिखाएंगे। तो अभी ढक के रख के रहेंगे, सूख जाएगा, गर्मी का टाइम चल रहा है। तो हमारा पूजा का सामान सारा बन चुका है, चलो दिखाते हैं कि क्या क्या बनाया है। तो चलो देखते हैं। तो ये देखो चंदा मेघ है और इसमें चिरौंजी वगैरह सब डालनी है, बाकी सारे मेवा पड़ चुके हैं। ये पूड़ी है, ये पुआ है, और ये बड़ा पुआ है, ये पैसे हैं, और ये गुड़ धनिया है, ये गुजिया है, इसमें फल है, 5 खीरा है, 5 ककड़ी है, 5 संतरा है। तो ये है, बाकी ये सब सारी गेहूँ की बाली, आम की बौर वगैरह सब ये सब है। तो चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। अभी तो पहले मंदिर में पूजा करनी है, और ये बड़ा लोटा है तो इसके ऊपर हमें पुआ रखना होगा ऐसे करके। तो इसी का नाप को हमने बनाया है। तो ये सारा सामान जितना भी है सारा घी में बना हुआ है। तो ये है जगन्नाथ जी के भेंट, जिनको हम सबसे पहले धुलेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ रखेंगे। तो ये 5 दिए हैं, आटे के दिए हैं, और ये लोटा तो दिखाएगा। ये है सारा पूजा का सामान, रोली, हल्दी, चावल, फूल, कलावा, ये सब चीज़ें। और ये एक बिछाने के लिए है, ये है बैठने के लिए आसनी है। तो हमें क्या करना है, एक सबसे ज़रूरी बात ये आटा है और एक चौकी है। अब जब जगन्नाथ जी के भेंट को धुलेंगे उसको दूध और पानी से ही धुलेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने पीले कलर का कुर्ता पहना, लाल दुपट्टा डाला, और नीचे से मेरे पास रेड कलर की स्कर्ट थी वो मैंने पहनी हुई। तो पूजा में अब बैठते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चौक पूरना होगा चौकी में, फिर उसके बाद में बिछाना होगा मैं लाल कपड़ा। तो अभी पहले चौक पूर देते हैं, फिर उसके बाद में बिछाएंगे कपड़ा लाल। तो ये है लाल, ये आसनी बिछा दी है नीचे। अब ये लाल कपड़ा है जो कि चौकी पे हमें बिछाना होगा, फिर एक फ़ोटो लेनी होगी। तो आप देखते जाइएगा कैसे कैसे कर रहे हैं। जाते हुए जान का प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। फिर दुखी लोगों में बाल से तो हमारी पूजा ये हो गई है ख़त्म। तो अब प्रसाद वगैरह खा लिया था, तो उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।